वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। टुडेज क्लास इज डेडिकेटेड 10th क्लास स्टूडेंट और आज की पाठशाला में हम बात करेंगे नए सेट की। लेकिन पाठशाला को स्टार्ट करने से पहले या कुछ भी समझाने से पहले हम बच्चों को मोटिवेशन मैसेज देते हैं। मेरा मानना है कि लाइफ में मोटिवेशन मैसेज एक रेमेडी की तरीके काम करता है और आज की सीरीज का मोटिवेशन मैसेज कुछ इस तरीके से है। मेरे प्यारे बच्चों, आप हमेशा छोटे छोटे निरंतर प्रयास करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जैसे जैसे निरंतर छोटे छोटे हम प्रयास करते हैं तो हमें एक कोशिशों के परिणाम मिलते हैं, इसलिए प्रयास करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर हम आज की पाठशाला की बात करें तो आज की पाठशाला का जो टॉपिक है वो है सेट नंबर 5। ठीक है, देखिए सेट नंबर 5, ईयर चल रहा है 2020। ठीक, NN सेट का नाम है बेटा, NN ये सेट का नाम है। ठीक है, ये क्या है? सेट का नाम है। और हम सेक्शन सी की बात कर रहे हैं, हम सेक्शन सी की बात कर रहे हैं, तो हमें सेक्शन सी देखना है कि भाई क्या होता है। देखो सबसे पहला बहुविकल्पीय क्वेश्चन में देखिए 90 के काम में जो दिया हुआ है वो दिया है पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। देखो बेटा, दो प्रकार के संवहन बंडल या टिश्यू पाए जाते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। जाइलम जो होता है वो हमेशा जल का स्थानांतरण और फ्लोएम जो होता है वो हमेशा फूड या भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। ठीक है, भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है और ये मिल करके बने होते हैं वैस्कुलर टिश्यू से। तो इतनी बात याद रखेंगे और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो कह रहा है कि जल के वहन में, अमीनो अम्ल के वहन में, ऑक्सीजन के वहन में या भोजन के वहन में। तो जल के वहन में आवश्यक होता है। खा देखिए, कह रहा है गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। आपसे पूछा गया है कि गर्म जल को प्राप्त करने के लिए, गर्म जल को प्राप्त करने के लिए हम सौर ऊर्जा तापक का उपयोग, सौर ऊर्जा तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। आपसे ये नहीं पूछा गया कि कर सकते नहीं कर सकते हैं, ये आपसे पूछा गया है, लिख दे रहे। ठीक है, नहीं कर सकते हैं। ठीक, आपसे पूछा गया धूप वाले दिन में, बिल्कुल कर सकते हैं, धूप से ही सोलर एनर्जी मिलती है तो सौर ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। ठीक, गर्म दिन में बिल्कुल कर सकते हैं। पवन वायु वाले दिन में, ठीक, पवन वायु वाले दिन में भी क्या कर सकते हैं, लेकिन बादलों वाले दिन में हम सौर ऊर्जा तापक का उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा। बात समझ में आ रही है? देखिए गा देखिए क्या कह रहा है, मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। आपसे पूछा गया कि मस्तिष्क जो है वो उत्तरदायी होता है, किसके लिए होता है? ठीक है, सोचने के लिए, ठीक है, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, हृदय के स्पंदन के लिए, ये सारी क्रियाएं मस्तिष्क के अलग अलग भागों के द्वारा नियंत्रित होती हैं। सोचने के लिए भी, हृदय के स्पंदन के लिए भी, शरीर के संतुलन के लिए भी, तो ये सभी इसके आंसर होंगे। ये सभी क्या होंगे? इसके आंसर होंगे, तो ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव में मादा जनन का भाग नहीं है? मादा जनन का भाग नहीं है, ये पूछा गया, नहीं है जनन भाग, नहीं है पे ज्यादा फोर्स करिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, नहीं है तो कौन सा नहीं है? देखिए, अंडाशय है, ठीक है, गर्भाशय है, ठीक, अंडाशय भी है, बिल्कुल सही बात है, गर्भाशय है, डिंब वाहिनी भी है, ओविडक्ट भी है, लेकिन शुक्र वाहिका क्या होता है? इसका भाग नहीं होता है। वास डिफरेंसिया जिसे बोलते हैं वो इसका भाग नहीं होता है। बात समझ में आ रही है?
कह रहा है कि दसवें का का देखिए, दसवें का में पूछा गया है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी होती हैं। तो स्वपोषी पोषण के बारे में आपको बताना है। स्वपोषी पोषण, ऐसे जीव जो अपना भोजन, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं, ठीक है, स्वयं बनाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? स्वपोषी, स्वपोषी जीव बोलते हैं, स्वपोषी जीव कहते हैं। तथा पोषण की इस विधि को, पोषण की इस विधि को स्वपोषी पोषण कहते हैं, स्वपोषी पोषण कहते हैं, स्वपोषी पोषण कहते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो स्वपोषी पोषण कहते हैं, ठीक है। चलिए अब स्वपोषी पोषण के आगे क्या पूछा गया इसमें ये देखते हैं। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है, पूछा गया है कि आवश्यक परिस्थितियां कौन है और इनका अंतिम उत्पाद क्या है। देखिए आवश्यक परिस्थितियां जो है स्वपोषण के लिए, बेटा आवश्यक, ठीक है, परिस्थितियां पूछी गई, सिंपल है, बता देंगे आप परिस्थितियां क्या है आपसे ये पूछा गया, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसमें प्रकाश होना चाहिए, ठीक, फिर पर्णहरण होना चाहिए। दो चीजें होंगी तभी स्वपोषी पोषण हो पाएगा। हरे पादपों में पहले तो प्रकाश हो और प्रकाश के साथ क्या हो, पर्णहरण हो, तो ये दो चीजें होंगी तभी क्या होगा, पोषण बनेगा। अंतिम उत्पाद के रूप में क्या बनता है, ग्लूकोज, ठीक, स्टार्च कह लें अगर हम इसे तो ज्यादा सही रहेगा, स्टार्च। तो स्टार्च या मंड अंतिम उत्पाद के रूप में बनता है, ये इसका आंसर है। ये इसका क्या है बच्चों, आंसर है, ठीक है, ये याद रखेंगे। अच्छा आगे देखिए, आपसे पूछा गया है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन का बेटा जो नाम है दैट इज मानव के भ्रषण के कार्य। आपको टेस्टिस के कार्य बताने हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है, यह मानव में शुक्राणु के निर्माण में सहायक होती है, ठीक, टेस्टिस का। उसके बाद यह टेस्टोस्टेरोन का, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण करती है, यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण करती है जो शुक्राणु के परिपक्वन या विकास, वृद्धि एवं विकास, कुछ भी लिख सकते हैं, वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होता है, के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। बात समझ में आ रही है? और पूरे स्पर्म सेल्स को जो इसी टेस्टोस्टेरोन से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए क्या एनर्जी कह ले या जो फैक्टर है वो मिलता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए आगे देखिए, कहा गया है कि जैव विकास का उपयुक्त उदाहरण की सहायता से स्पष्ट कीजिए। इसमें उदाहरण तो दिया ही नहीं है। जैव विकास का उपयुक्त उदाहरण की सहायता से व्याख्या कीजिए, क्या बता दे इसमें भाई। हाँ
चलिए देखिए, जैव विकास तो हम बता देंगे, खैर ठीक है, इसका उदाहरण हम खुद से बता दे रहे हैं। उपयुक्त तो ऐसे लिखा जैसे कि जो आपने दिया ही हो, क्या मिसप्रिंट हो गया होगा, ठीक है। जैव विकास होता क्या है? जैव विकास या जैव विकास क्रम क्या होता है? देखिए, जीवों में विकास एवं वृद्धि का क्रमबद्ध अध्ययन जैव विकास या जैव विकास कहलाता है। जैव विकास कहलाता है, बात समझ में आ रही? जैव विकास कहलाता है। जैव विकास को हम अगर किस एग्जांपल से, बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप जिराफ के एग्जांपल से भी समझा सकते हैं कि कैसे उनमें जैव विकास हुआ। जिराफ क्या करते थे? अपनी, ठीक है, अगली टांग और गर्दन का प्रयोग, ठीक, पेड़ों में ऊंचे पर लगी, ठीक है, ऊंचे पेड़ों पर लगी सांप को खाने के लिए करते थे, जिससे इनकी अगली पीढ़ी में भी ये क्या हो गई? विकसित होने लगी, ठीक है, ये क्या होने लगी? विकसित होने लगी, और इसी की वंशागति होने लगी। इसे उपार्जित लक्षणों की वंशागति कहते हैं, उपार्जित लक्षणों की वंशागति कहते हैं। और ये जो लक्षण है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं, इन लक्षण को उपार्जित लक्षण कहते हैं। बात समझ आ रही बच्चों? इन लक्षणों को उपार्जित लक्षण कहते हैं, ठीक। ये जो उपार्जित लक्षण है, तो लैमार्क ने बताया था कि ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं, उपार्जित लक्षण कहलाते हैं, और इनकी वंशागति को उपार्जित लक्षणों की वंशागति कहते हैं। इसे जिराफ के उदाहरण से भी समझा सकता है, या अंगों के प्रयोग तथा अनुप्रयोग से भी समझा जा सकता है। जिस अंग का हम ज्यादा प्रयोग करते हैं वो ज्यादा विकसित हो जाते हैं, और जिस अंग का हम कम प्रयोग करते हैं वो कम विकसित या अल्प विकसित या अवशेषी अंग के रूप में कार्य करते हैं। और इनकी वंशागति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होती रहती है। इस लक्षणों को क्या कहते हैं? उपार्जित लक्षण कहते हैं। इनकी वंशागति को उपार्जित लक्षणों की वंशागति कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की पाठशाला में इतना ही। कल की पाठशाला में हम कुछ इसके आगे की बात करेंगे, नया सीखने का प्रयास करेंगे। सो बायोलॉजी पाठशाला का लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए बायोलॉजी पाठशाला का उस बेल आइकन घंटे के बटन को दबाए रखिए, ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। तो अब होगी बायोलॉजी की तैयारी बायोलॉजी पाठशाला के साथ। सो कीप वॉचिंग बायोलॉजी पाठशाला को, लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू वॉच माई पाठशाला। थैंक्स अगेन, प्रणाम।